हेलो, कैसे हाल चाल? आई होप सब अब सब बढ़िया होंगे। अब देखो भाई, पबजी तो बैन हो गया प्ले स्टोर पे, तो मैंने में तो शो कर नहीं रहा आपकी पता नहीं। ये मेरा पबजी का लास्ट गेम प्ले है, जिसमें एक मैं DMR चैलेंज करने की सोच रहा था, जो कि गलत हो गया, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। अब भाई आप है ना, AR के आगे DMR कैसे कर सकते हो आप? DMR में 20 प्लेयर्स, AR में 40, फिर भी कोशिश करी और थोड़ा बहुत सही गया, स्टार्टिंग अच्छी थी। ठीक है, तो आपको मैं वो स्टार्टिंग दिखाऊंगा और उसका फिर एक गेम प्ले है, उसका मज़ा लेते हैं। ये उस गेम प्ले में लास्ट में काफ़ी इंटेंस हो जाता है, जोन के बाहर फाइट होती है, 10 SP से बचता हूँ भाई, ग्रोजा को मान गया। ठीक है, फिर भी मज़ा आएगा। ठीक है, जो जो भी है लास्ट गेम प्ले है शायद, अगर बैन अनबैन होता है फिर दोबारा नया सीजन में रैंक पुश करेंगे, फाइट करेंगे, KD बढ़ाएंगे, इस बार KD पे ध्यान देंगे, रश करेंगे फुल। एंजॉय करो गेम प्ले को। अब देखो भाई, जहाँ उतर रहा था मीनास पे, ये मिरामर मैप खेल रहा हूँ, वहाँ से मुझे मिल गई SKS। अब मैं जो ने DMR कर रहा था तो मुझे सिर्फ SKS मिली और दूसरी थी M16A4, जिसका कोई यूज़ करूँगा नहीं मैं, तो मैं आ जाता हूँ सेंट मार्टिन, क्योंकि वहाँ से मैंने काफ़ी लंबा काटा है, और मुझे कोई एनिमी मिला ही नहीं, तो मैं आ गया सेंट मार्टिन, क्योंकि मुझे आई एम 100% डैम श्योर के सेंट मार्टिन पे बंदे मिलेंगे, क्योंकि भाई वो हॉट ड्रॉप है पबजी के। हम आ जाते हैं सेंट मार्टिन पे, तो इधर हम इधर जो यहाँ अक्सर फ्लेगर मिलती है, लेकिन किसी ने ले ली सिराली साइड। हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ मुझे बंदे के फुट स्टेप आते हैं, और देखिए उसको SKS से कैसे ढूंढते हैं। क्या भाई, SKS हो या कोई भी DMR हो, 3-4 शॉट बहुत है बंदे को ख़त्म करने के लिए। इसको मैंने दिया, लेकिन भाई इसके मूवमेंट की वजह से, मैं अगर AR होता तो यहाँ ये ख़त्म था। उसके फिर सोचा मारूँ उसको, लेकिन कार में चले गए, उसको नहीं मार पाया। फिर तो सोचा चलो इधर से, मुझे फिर एक वो फायर साउंड आते हैं दूसरी तरफ से, तो फिर मैं इधर प्रोन हो जाता हूँ, वो बंदे को स्पॉट करता हूँ, तो बंदा स्पॉट भी हो जाता है, उसकी जो फ्लैश है उसकी वजह से वो स्पॉट हो जाता है। लगाया ATAX और इसको भी कर दिया ख़त्म, ये भी गया। अब भाई हुआ क्या कि जो एनिमी मुझसे बच के भागा था, वो था सामने वाली बिल्डिंग में, जो आप देख रहे हो। मैंने उधर ग्रेनेड करे एक दो, लेकिन वो पता नहीं जिस पोजीशन पे था, वो उस पोजीशन में भाई मैं ग्रेनेड फेंक ही नहीं सकता। मैंने फिर भी कोशिश करी, मैंने मुझे लगा इधर उधर फुट स्टेप आ रही, तो मैंने इधर फेंका नहीं, लेकिन बच गया वो। उसके बाद फिर मैं ऐसे स्काउट कर रहा था, क्योंकि एक और बिल्डिंग से फायर आया था, उधर भी मुझे कोई नहीं दिखा, स्काउट पूरा करा नहीं दिखा कोई भी, एक एक ना फ्लोर चेक करा। उसके बाद फिर यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है भाई, पता नहीं किस पे टूपी भी ले रहा था भाई, आस पास भी तो देख लिया कर, उसको भी करते हैं ख़त्म, ये भी गया। एंड शॉट पे उसने मूवमेंट करने की कोशिश करी, लेकिन खलास। इसके बाद हम दोबारा स्काउटिंग पे आ गए। अब एक बंदे के फुट स्टेप आए मुझे, कि भाई वो घर में घुस गया। मैंने पहले तो आस पास स्काउट किया, कहीं आस पास कोई मुझे मार ना दे, और जब उसके फुट स्टेप आए तो मैं भी है ना चले गया, या टिप्पी भी लेने लग गया, क्योंकि भाई देखो DMR है हाथ में, आप अंधा रश तो कर नहीं सकते, थोड़ा स्ट्रेटेजी थोड़ा टैक्टिक्स के साथ खेलना पड़ता है। मैं यहाँ टिप्पी भी लेने लग गया, मैंने उसके बाद देखो कुछ भी होता है तो हम उसको देख लेंगे। यहाँ वो आता है, उजी लेके आता है भाई, ओ भाई उजी की तो पता ही है, क्लोज कर दिया से खत्म। यहाँ पे भाई बहुत सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट था, कि भाई उजी वाला जो क्लोज में अल्टीमेट बीस्ट है उजी, उसको भी हमने ख़त्म कर दिया, तो सोचा यार गेम प्ले निकल जाएगा। ठीक है, 4 किल हो चुकी थी, सही चल रहा था गेम प्ले DMR का, मुझे लगा था कि हाँ ये हो जाएगा, कम किल होंगी लेकिन हाँ हो जाएगा। यहाँ दोबारा मैं स्काउट करने लग गया, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। अच्छा, आपसे आप में से कितने लोगों के प्ले स्टोर में पबजी अब शो नहीं कर रहा? क्योंकि भाई मेरे में तो कर नहीं रहा, मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी डाउनलोड कर लिया, कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम प्ले भी आज नहीं तो कल मैं अपलोड कर दूंगा। 2-3 गेम प्ले रिकॉर्ड करे, चिकन वो मेरा डिनर तो चिकन डिनर जो भी है पबजी की वजह से चिकन डिनर याद आता है। गेम में तो जीते नहीं, लेकिन हाँ किल अच्छी थी, 15-16 किल क्या गेम प्ले था। अभी मैं थोड़ा क्या है कि कॉल ऑफ ड्यूटी में नया हूँ, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही चल रहा है गेम, लेकिन अब एंजॉय करना। यहाँ मुझे एक बंदे के फुट स्टेप आते हैं, तो मैं उसको नेट फेंकता हूँ, मुझे ये पता नहीं नेट में मरा क्यों नहीं भाई, एग्जैक्ट नेट था यार, देखो पता नहीं टकरा के आ गया पता नहीं। यहाँ मैंने उसको मारने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ से कुछ दिख नहीं जाता, तो मैंने एंगल दूसरा एंगल लिया भाई, पबजी इज ऑल आउट एंगल्स यार, वही तो मुझसे भी ज़्यादा मुझसे जानते हो। ये एक शॉट लगा, बंदा ख़त्म।
अब भाई 5 किल हो गई थी, अब देखिए मैं मरता कैसे हूँ भाई। जो बंदा नेक्स्ट आएगा ना भाई, लेवल अच्छा था उसका, टैक्टिक्स और जो ब्रेन यूज़ कर रहा था भाई, बहुत अच्छा कर रहा था। अब एक एनिमी घर के अंदर आ चुका था और सामने ले रहा था टीपी, ये आ गया। अब मैं सोचा इसको नीचे यूज करके मारूं, लेकिन भाई वो प्रॉब्लम की बात है क्योंकि उसका ए आर है तो वो ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ से नीचे गया मारा, लेकिन भाई ए आर है, क्या कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट गेम प्ले के ऊपर चलते हैं, जहाँ मैं दोबारा माउंटेड नोवर, पता नहीं क्या नाम है इसका, उतरता हूँ। या ये हॉट ड्रॉप है, लेकिन पता नहीं क्यों बंदे क्यों नहीं उतरे। ट्रेन पाथ पे था, फिर भी नहीं उतरा कोई। तो हम लूट वूट कर रहे थे अपना, जो फायर का साउंड आता है मुझे। अगर आप में से कोई पबजी खेलना चाहे, वो पबजी कह रहा हूँ, अब यार पबजी नाम रहता है यार दिमाग पे। खैर, आप में से कोई अगर कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना चाहे मेरे साथ, तो मैं कल जो गेम प्ले डालूंगा उसमें मैं कॉल ऑफ ड्यूटी का आईडी डाल दूंगा अपनी, तो आप उस पर मुझे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और साथ कॉल ऑफ ड्यूटी खेलेंगे। वो अच्छा है गेम, बड़ा नहीं है, और जब पबजी आएगा तो पबजी खेलेंगे। सो यहाँ मुझे फुट स्टेप आते हैं बंदे के, वो फुट स्टेप कह रहा हूँ, साउंड आती है फायर साउंड। सो मैं चल देता हूँ उसी की तरफ। लेज ग्रेव, ये तो अच्छा है। सो यहाँ मैं उसको स्काउट कर रहा था भाई, कहाँ से फुट स्टेप आ रहे हैं। पहले मुझे लगा थोड़ा बाहर है वो, लेकिन बाहर नहीं था, अंदर था। अंदर ही पता नहीं क्या क्या कर रहा था, क्या कर रहा था पता नहीं, उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद दूसरा बंदा मुझे यहाँ स्पॉट होता है, यहाँ पे फायर साउंड आते हैं मुझे, और अभी आपको भी आ जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे भाई। देखो मैं प्रो तो हूँ नहीं, ठीक है। सो जैसा भी गेम प्ले डालता हूँ, आप प्लीज़ देखिए, अगर आपको कोई मूवमेंट अच्छा लगता है मुझे बताइए। क्योंकि देखिए ना, मेरे पास इतना अच्छा डिवाइस है, डिवाइस ठीक है फिलहाल तो पहले से अच्छा है, लेकिन नेट की प्रॉब्लम है थोड़ा, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए। सो यहाँ मुझे साउंड, वो फायर साउंड आ गया था, तो मैं उसे मैनिपुलेट वो भरता हूँ। और उसने अभी फ़िलहाल किसी को मारा था, तो वो उसे लूट रहा था, इतना तो मुझे पता था। तो मैं इसके अंदर से जाता हूँ, क्योंकि फायर साउंड अभी आया, किसी को मारा उसने, लूटने लग गया। चलते हैं। सामने से निकला वो, और यहाँ से स्कार की M4 होती तो भाई इसको मैं कब का वो पता है, रिकॉइल का थोड़ा बहुत दिस था भैया, लेकिन फिर भी स्प्रे सही था, उसको एक बॉडी लगा जिसकी वजह से वो डैमेज है। अब मैं यहाँ ऊपर जाता हूँ उस पर रश करने, लेकिन मुझे दिखता नहीं है, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा एंगल चेंज करूँ। तो यहाँ से पहले मैं स्काउट करता हूँ उसको, कहीं ना कहीं दिख जाए वो, लेकिन वो यहाँ ऊपर था, और उसको एडवांटेज था रिस्क का। तो मैंने सोचा थोड़ा हाइट एडवांटेज लेते हैं, थोड़ा एंगल चेंज करते हैं। सो हम मैं चलती अपने राइट की तरफ से फ्लैंग मारने, लेकिन उसके फुट स्टेप आते इतने में। सो मैं चलता उसका M7, लेकिन भाई भाई उसने हक दिया बुरी तरह। अगर वो एम से लगता तो भाई मेरा हेड था उसके सामने, तो वो मेरे हेड पे मार सकता है, लेकिन मैं बच गया। उसके बाद हम चलते हैं भाई अपना नेक्स्ट किल की तरफ। तो भाई देखो हुआ क्या, मैं वापस जा रहा था, और अपना थोड़ा बेस्ट चाहिए थी मुझे, मेरे पास देखो बेस्ट तो है नहीं बिल्कुल, लेवल 1 की है। तो मैं यहाँ ऊपर ऐसे बेस्ट वाला ढूंढ रहा था, तो मैं इधर जाऊँगा बेस्ट ढूंढूंगा। इतने में एक गाड़ी आती है भाई फुल स्पीड में, और जैसे ही मुझे साउंड आ रही उस गाड़ी की, मैं भाई नीचे कूदा, मुझे लगा रुकी कि नहीं रुकी, फिर मैंने। अब वो भाई वापस आया, रुका वो, मैंने इतने में अपनी गन रिलोड करी, क्योंकि भाई M72 किया। मैंने भी थोड़ा हक दिया, मरेगा तो अब देखो जितना मूवमेंट आप ज़्यादा करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये यहाँ ही नहीं, सिर्फ पबजी में नहीं, ये कॉल ऑफ ड्यूटी में भी लागू होता है। सो मैंने उसको ख़त्म कर दिया भाई। मैं सोचता था थोड़ा, अब बंदे तो काफ़ी अलाइव हैं तो किल मिल जाएंगी। सो मैं किल की तलाश में काफ़ी भटका भाई, मैंने इतना लंबा पोर्शन काटा है, इतना लंबा पोर्शन काटा है, मैं क्या बताऊँ। मैं यहाँ से पिकार्ड हो गया, पिकार्ड को नहीं मिला, ठीक है। यहाँ से उसके बाद मैं गया क्या नाम, पावर हाउस, शायद क्या नाम है उसका, पावर ग्रेड, वहाँ भी कोई नहीं मिला।
फिर लौट फिर के भैया हम यहाँ पे आए पागल गेट वापस। अब ये एक लोटा ऐसा कंपाउंड था जो जोन में था, तो मैं सोचा कि यहाँ कोई होगा तो इतने में फायर आता है, किसी बंदे ने एक बॉट को या किसी को मारा होगा, तो मैं चल देता हूँ उसकी तरफ। वहाँ दिखता है वो बेचारा उसे लूट रहा है, ख़त्म। अब भाई वो पहले से डैमेज होगा क्योंकि उसने किसी से फायर की थी, तो उसकी वजह से मैंने मेरे एक दो शॉट कनेक्ट हो गया, वो बंदा ख़त्म हो गया। अब मैं वापस आ जाता हूँ, ये भी सोचता हूँ यार कोई तो मिले कोई तो मिले, फिर स्काउट दोबारा करता हूँ, काफ़ी लंबा घूम के आया। फिर सोचा यार एयर ड्रॉप आ रहा है तो एयर ड्रॉप ले लेते हैं, एक तो अच्छी वेपन मिल जाएगा और दूसरा फिर यह है कि कोई ना कोई एनिमी तो आएगा, और ऐसे ही होता है एक बंदा आता है लेकिन उसका एडवांटेज था मुझे मार सकता, लेकिन पता नहीं क्यों। यहाँ से ग्रो चली और यहाँ पे सामने वो पता नहीं किधर देख रहा था, अब मैं बताऊँ किधर देख रहा था, इधर मैं आगे थोड़ा पोर्शन काट दूंगा, लेकिन ये उधर से गोल्डन मिराड हो गई थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्काउट कर रहा था, इतने में गोल्डन मिराडो आती है, ये वही गोल्डन मिराडो भाई जिसकी मैं बात कर रहा था। अब यहाँ से ढंग से निकल गया था, लेकिन मैंने तो थोड़ा डैमेज दिया, एक बुलेट हिट करी उसके, फिर वो अपना पोजीशन चेंज करता है, मैं भी अपना पोजीशन चेंज करता हूँ, थोड़ा राइट से फ्लैंक करता हूँ ताकि लोकेशन चेंज हो जाए, लेकिन यहाँ मैं हक देता हूँ यार, बहुत बुरा हगा मैंने यार, मैं मानता हूँ भाई क्या करूँ, मैं ना रेगुलर तो खेल नहीं पा रहा, तो जिसकी वजह से थोड़ा आदत हट जाती है ना, वो तो कहते हैं हाथ गर्म नहीं, मतलब सेट नहीं हो पाता। सो मैं उसको यहाँ, उसने स्मोक करा काफ़ी, तो वो काफ़ी अप डाउन कर रहा था, तो इससे मैं शॉट नहीं ले पा रहा था। यहाँ मैं स्नाइपर बहुत मिस कर रहा था, अगर स्नाइपर होती तो ये बंदा ख़त्म था। ठीक है, लेकिन स्नाइपर थी नहीं, अब आपको तो पता है स्नाइपिंग थोड़ी बहुत सही कर लेते हैं, इतनी भी अच्छी नहीं है लेकिन हाँ सही है, थोड़ी बहुत सही है। अब उस वो बंदा एनिमी ऊपर नीचे करता है, इतने में उसको एक शॉट देने की कोशिश करता हूँ, जैसे वो आता है इधर गाड़ी की तरफ जाता है, और ये मैंने स्मोक करा ताकि मैं उसको बेवकूफ बना सकूँ, वो थोड़ा बहुत बना, एक शॉट उसे लगा, उसने दो तीन शॉट मुझे मारे, उसके फिर मैं अपना है ना कवर में चले गया, थोड़ा हील करा, वो समझ गया था कि भाई वो यहाँ से फाइट नहीं ले पाएगा, तो उसने भागने का सोचा। मैं यहाँ सेक में जा रहा था, मैंने कि यहाँ से एडवांटेज मिल जाएगा और थोड़ा टैक्टिक लगा के गेंद के ऊपर बैठ जाऊँगा, यहाँ से उनको उसको एंगल लेके मार दूंगा, लेकिन वो इतने में भागने लगा, मैं समझ गया था भाग रहा है, लेकिन यहाँ से मुझे एंगल मिला नहीं, मैं वापस गया, इतने में वो गए लेके निकल गया। लेकिन भाई ऐसे पीछा नहीं छोड़ी, अभी ऐसे एनिमी को छोड़ दिया तो क्या फ़ायदा यार, तो मैं उसके पीछे जाता हूँ, बग्घी दूर थी तो मैं पैदल ही चलता हूँ उसके पीछे, वो आगे जाके बग्घी रोक लेता है, वो अपनी मिराडो रोक लेता है। यहाँ भी मैं उसके स्प्रे दूंगा, शॉट काफी कनेक्ट होंगे, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने भाई इस पे ग्रेनेड करते हैं। अब ग्रेनेड करने के दो फायदे हैं, अगर हटा तो ठीक, नहीं हटा तो भाई फटेगा, और हटा तो फिर मैं मारूंगा, अब वही होता है वहाँ से निकलता है, एक कर लगा ख़त्म। अब उसको कुछ डैमेज गिरने से हो गया और कुछ मैंने एक बुलेट मार के, अब यहाँ मैं स्मोक करता हूँ जैसे इसको लूट सकूँ। अब नीचे आप जो कंपाउंड देख रहे हैं, ये तो कोई एक एनिमी है, वो मुझसे शॉट लेता है, अभी नहीं जब मैं क्रेट लूटूंगा तो मुझसे शॉट लेता है। अब मैं जैसे समझ जाता हूँ कि भाई यहाँ नीचे कोई है तो भाई उसको मारना पड़ेगा, तो यहाँ मैं उसकी तरफ जाता हूँ। अब दिक्कत ये थी, पहले मैं उसको स्काउट करता हूँ कि भाई है कहाँ ये, क्योंकि मुझे ढंग से दिख भी नहीं रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ पर कि भाई एक काम करते हैं कि चलते हैं पैदल ही चलते हैं, और अगर उसने फायर किया तो उसको मैं आराम से मार दूंगा, क्योंकि उसके एंगल देखो जहाँ तक मेरा अंदाजा था, वो जो ये खुला हुआ एरिया है जो बाइक गई है पीछे वहाँ उसी दरवाजा में भी देख रहा हूँ, तो भाई वहाँ से तो एंगल तभी मिलेगा जब मैं उस साइड से जाऊँगा, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा लेफ्ट से फ्लैंक करके चलते, तो वहाँ से उसको एंगल भी नहीं मिलेगा और अपन पहुँच भी जाएंगे। उसके बाद क्या है उसकी सामत, सो मैं आ जाता हूँ, तो देखो मैंने यहाँ आते ही सोचा कि भाई पहले करूँगा यहाँ पे देखूँगा कि उसके फुटस्टेप कहाँ से आ रहे हैं, उसके बाद करूँगा मैं मोलो या ग्रेनेड,
जिससे उसको डैमेज हो, जिससे मुझे एडवांटेज मिले। और भाई सच में नेड और ये मोली, इनका सच में बहुत एडवांटेज है। और यहाँ मैंने नेड करा, उससे उसको डैमेज होता है डैमेज, क्योंकि वो वहीं था, लेकिन मरा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं मरा। शायद नेड थोड़ा आगे पहुँच गया उसका। फिर यहाँ अंत जाता हूँ तो मुझे उसके फुट साउंड आ जाते हैं। वो मूवमेंट कम कर रहा था लेकिन पता चल गया कि वो ऊपर ही है। फिर मैंने ऊपर जाने की सोचा, लेकिन मैंने कहा भाई एंगल लेके बैठा होगा, मार देगा। तो मैंने यहाँ से सोचा कि भाई इसको ख़त्म करने का एक तरीका है, मोलो या नेट से। तो भाई देखो आप भी कह रहोगे सोचा सोचा बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो यार कुछ वर्ड्स की आदत होती है, आपने अब आ जाते हैं। तो यहाँ मैं टिप्पी लेके देखने लग गया कि कहीं भाई कहाँ है, नहीं दिखा तो मैंने थोड़ा आइडिया लगाया। अब देखो भाई मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि मैंने उस पल क्या सोचा क्या करा, ठीक है। इससे एडवांस लेता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने मोलो जो मोलोटॉप डाला था उससे उसको आग लगी, वो नीचे आया नीचे आके एक बुलेट का था, बंदा ख़त्म। यहाँ 7 किल हो चुकी थी, 6 बंदे बचे थे। लगा था कि हाँ कुछ हो जाएगा, लेकिन भाई कोई आया ही नहीं कंपाउंड पे। यार पता नहीं क्यों लोग है ना, अभी है मेरा मन में है क्या, आपको जो रिजिस का एडवांटेज है बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे ये आप देख सकते हो। तो यहाँ से मुझे फायर साउंड आया तो मैं समझ गया कि भाई बंदा किस साइड है। तो मैं ऊपर से पहले देखता हूँ कि कहीं से दिख जाए, लेकिन यहाँ से कोई नहीं दिखता। तो भाई मैं पूरा मारता हूँ लेफ्ट फ्लैंक, बहुत लंबा फ्लैंक था रे, बहुत ज़्यादा लंबा, दिखाऊंगा कितना लंबा था। अच्छा आप में से कौन कौन क्या गेम खेल रहे हैं मुझे बताना ज़रूर। अब देखो लाइव स्ट्रीम तो अभी मैं कुछ टाइम तक करूँगा नहीं क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। सो बताना कौन सा गेम, अगर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर गेम खेलूँ तो आप मुझे वो भी बताना। और देखो यहाँ मैं गाड़ी लेके इसलिए नहीं गया, चाहता तो गाड़ी लेके जा सकता था, लेकिन उससे ये कि उसको एनिमी को पता चल जाता साउंड आ जाती। सो यहाँ पर मैंने मारा, बहुत लंबा फ्लैंक मारा है, अभी देखिए 8x की स्पीड। अब यहाँ आके एक बंदा के सामने दिख गया, किसी को फायर कर रहा था, इसको मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया, बहुत गंदा डैमेज दिया, एक बुलेट और लगती बंदा ख़त्म था। और यहाँ एक आ जाता है गिली शूट, भाई ग्रोजा की पावर ख़त्म। अब देखिए लास्ट बैटल, जोन के बाहर बैटल, और मैं कितना बसता हूँ यार, मतलब कैसे, मैं मुझे लगा नहीं था ये चिकन है, क्योंकि भाई देखो हो क्या कि वो भी उस पर थोड़ा एडवांटेज था जोन का, मुझ मैं जोन के बाहर था। अगर मैं जाता हूँ जोन के अंदर तो वो मुझे पीछे से बैक स्टेप कर सकता है, और अगर मैं उसका वेट करूँगा तो भाई देखो हीलिंग चैलेंज भी अगर हम करते हैं तो वो भाग जाएगा आगे, तो मुझे डिसएडवांटेज डर भी है। सो मैंने सोचा छोड़ो यार, जो का देखा जाएगा, चल दिए। HP देखो HP, भाई लिटरली 10 HP बची होगी, एक बुलेट का था या फिर एक जोन हिट। सो ये था हमारा लास्ट चिकन डिनर पबजी का, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर जब पबजी आएगा तब, पबजी में मिलते हैं, वरना कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर और किसी गेम में मिलते हैं। टिल देन सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।